महाराष्ट्र में अजीत पवार के वित्त मंत्री बनते ही आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। वित्त मंत्री का पद संभालते ही अजीत पवार ने अपने विधायकों पर धन वर्षा कर दी है। अजीत पवार के समर्थक विधायकों को भी भारी मात्रा में फंड दिया गया। अजीत पवार ने इस बार एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को फंड देकर उनकी नाराजगी भी दूर कर दी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शिंदे गुट की तुलना में एनसीपी के विधायकों को सबसे ज्यादा फंड दिया गया है। वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद अजीत पवार ने पूरक मांगों में जनप्रतिनिधियों के विकास कार्यों के लिए 1,500 करोड़ रुपए का निधि का प्रावधान किया है। विधायकों के लिए 25 से 50 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया गया है। एनसीपी विधायकों को 25-25 करोड़ का फंड दिया गया है। कुछ विधायकों को 40 करोड़ का फंड दिया गया है। एकनाथ शिंदे गुट के कुछ विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें भी फंड दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के मुकाबले एनसीपी विधायकों को ज्यादा फंड देने की बात सामने आ रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को देवलाली विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी विधायक सरोज आहिरे ने समर्थन दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने अजीत पवार गुट को समर्थन दिया। सरोज आहिरे को उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य के लिए 40 करोड़ का फंड भी दिया गया है। निधि आवंटन में अजीत पवार गुट के समर्थक विधायकों को ज्यादा धनराशि दी गई है। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि विधायक विकास निधि के लिए ही अजीत पवार के साथ। गौरतलब है अजीत पवार के एनसीपी छोड़ने के बाद शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल ने उनकी आलोचना की थी। अजीत पवार के गुट ने ऐसी तस्वीर पेश की कि जयंत पाटिल की वजह से एनसीपी में फूट पड़ी। ऐसे में अजीत पवार गुट के लिए जयंत पाटिल खलनायक बन गए। अजीत पवार ने भी पाटिल की आलोचना की थी। हालांकि अजीत पवार ने विकास निधि आवंटन में कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने जयंत पाटिल के विधानसभा क्षेत्र के लिए भी पर्याप्त फंड दिया है। हालांकि एनसीपी के दूसरे विधायक जितेंद्र आहवाड़ के विधानसभा क्षेत्र कलवा मुंबरा के लिए भी अभी तक कोई फंड की मंजूरी नहीं दी गई है। गौरतलब है एकनाथ शिंदे गुट के विधायक शुरू से ही अजीत पवार को वित्त मंत्रालय देने का विरोध कर रहे थे। अजीत पवार पर यह आरोप लगाया गया था कि फंड आवंटन में वो पक्षपात करते हैं। उन पर पिछली सरकार में शिवसेना विधायकों को फंड न देने का आरोप लगाया गया था। एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने उस वक्त कहा था कि हम सिर्फ शिवसेना को अजीत पवार के चंगुल से बचाने के लिए महाविकास आघाड़ी छोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर वही विभाग अजीत पवार के पास दोबारा जाएगा तो क्षेत्र की जनता क्या कहेगी? हमारे विद्रोह का कोई मतलब नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।